जय माता की भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि शून्य काल क्या होता है और शून्य काल भूत प्रेतों के लिए क्या महत्व रखता है। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधी मिले। तो शून्य काल क्या होता है? हमारे 24 घंटे के अंदर जो मध्य काल का समय होता है, यानी कि 12 से और 2 के बीच में जो समय है, ये शून्य काल कहलाता है। और शून्य काल भूत प्रेतों के लिए क्या महत्व रखता है, यही जानना है। क्यों शून्य काल के अंदर भूत प्रेत जागृत हो जाते हैं और उनके सामने जो भी व्यक्ति या जो भी व्यक्ति औरत हो या स्त्री पुरुष जो भी हो, वो पड़ेगा तो वो उसके ऊपर अपनी छाया का प्रभाव छोड़ेंगे और उसके शरीर पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो शून्य काल है, इससे बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमको 12 से और 2 के बीच में चौराहे पे नहीं जाना चाहिए और एकांत जगह पे नहीं जाना चाहिए। जिनके घर शमशान के आसपास हैं, उसके दरवाजे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, इन आफतों से बचा जा सके। तो शून्य काल में जो भी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करेगी, वो उसको जीवन भर दुख देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता।